बाकी शराली खाना ही यहाँ पे शराली खा रही है। शहनाज ने डाला हुआ यहाँ का शनाजी को तो हमने देखा ही है। सनी देओल आए हुए थे, सनी देओल, हाँ, सनी देओल तो आते रहते हैं यहाँ पे। मेरे साथ फोटो भी उनकी, अच्छा, हाँ, मैंने देखा। और नितिन गडकरी जो स्पेशल और काफी खाने के शौकीन है ना नितिन गडकरी जी, बिल्कुल शौकीन है जी। और अपनी फैमिली लेके आए हुए थे। यहाँ पे मैंने जो ये थाली लगाई है ये प्योर ऑर्गेनिक और प्योर वेज थाली है और चूल्हे का बना हुआ खाना है। अच्छा जी, इसमें आपको सब कुछ डाल दिया, मक्की का रोटी, सरसों का साग, लाल राइस, राजमा, कड़ी, गुड़, घी, चटनी, अचार और सिड्डू। सिड्डू, अच्छा, सब वेज थाली आपकी लगेगी। अच्छा। इसको खा लीजिए, फिर जो अच्छा लगता है मंगा लेना आप, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज है 22 फरवरी और हम आ चुके हैं जाना वाटरफॉल। नग्गर से ये डिस्टेंस 11 किलोमीटर है और यहाँ पे अभी रिसेंट स्नोफॉल हुआ था 2 दिन पहले, देख सकते हैं नज़ारा। और हम मनीराम जी के ढाबा के पास में हैं और ये फेमस है लोकल फूड के लिए, देख सकते हैं मनीराम जी का ढाबा ठीक हमारे सामने है। जस्ट देख सकते हैं कितना स्नो यहाँ पे है गाइस। और आज हमारे साथ हैं मन्नू भाई ट्रिप पे, तो हम यहाँ पे हम बाइक से आए और काफी ठंड थी गाइस, रास्ते में काफी स्नो था, ब्लैक आइस काफी थे। और आप देख सकते हैं नज़ारा, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा इधर गाइस। तो गाइस सामने एक छोटा सा वाटरफॉल है और उसके बगल में मनीराम जी का खूबसूरत ढाबा है जो कि लोकल फूड के लिए काफी फेमस है। तो चलिए चलते हैं हम ढाबा में। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आया हूँ, कि पहले जब आया था तो समर का सीजन था, इस टाइम पे भी काफी मजा आया था गाइस। तो चलिए यहाँ पे लोकल फूड ट्राई करते हैं। तो आज आपको हम फूड दिखाते हैं यहाँ पे कैसा है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सिड्डू भी है और ये मक्के की रोटी और इसको गुड़ बोलते हैं। तो गाइस मनीराम जी ये ढाबा पिछले 26 साल से चला रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज कर रखा है और यहाँ पे सब कुछ चूल्हे पे बनता है। और यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं, जैसे नितिन गडकरी, सनी देओल, शाहरुख अली खान, शहनाज गिल, ये सब एक्ट्रेस इनके यहाँ इनका लोकल फूड ट्राई कर चुके हैं। ये देख सकते हैं मनीराम जी का ढाबा, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इनका फूड बिल्कुल ट्राई करें, बहुत ही ऑथेंटिक फूड देते हैं, लोकल फूड के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पे। ट्राई करते हैं फूड और आपको बताते हैं एक्सपीरियंस कैसा है हमारा यहाँ पे। ये देख सकते हो गाइस, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी, बताइए आपका खाने के बारे में कुछ। बस आपको यहाँ पे मैंने जो ये थाली लगाई है ये प्योर ऑर्गेनिक और प्योर वेज थाली है और चूल्हे का बना हुआ खाना है। अच्छा जी, इसमें आपको सब कुछ डाल दिया, मक्की का रोटी, सरसों का साग, लाल राइस, राजमा, कड़ी, गुड़, घी, चटनी, अचार और सिड्डू। सिड्डू, अच्छा, सब वेज थाली आपकी लगेगी। इसको खा लीजिए, फिर जो अच्छा लगता है मंगा लेना, ठीक है। क्या प्राइस है? 200 का थाली है बेटा। कितना? 200 का थाली। अच्छा जी, ठीक है, ट्राई करते हैं खाना। यहाँ पे नितिन गडकरी जी भी आए हैं क्या? अच्छा, देख सकते हो गाइस नितिन गडकरी भी है जी यहाँ पे आकर के फूड ट्राई कर चुके हैं। कैसा भाई? एक नंबर है। अच्छा है, बहुत अच्छा, सही है भाई। तो गाइस हमने खाना खा लिया और काफी टेस्टी खाना था। तो गाइस आगे हमने वीडियो में मनीराम जी से कुछ बात की, जिसमें हमने यहाँ पे आने के लिए बसेस की टाइमिंग पूछी और यहाँ पे लोकल में कौन से ट्रैक जा सकते हैं ये पूछा और यहाँ पे रुकने के लिए स्टे ऑप्शन क्या क्या हैं ये सब चीज़ें पूछा। आइए देखते हैं इनसे क्या बातचीत हुई। पत्रिक रूप से आपके 10:30 बजे और 7:30 वाली जो यहाँ नीचे से आती है ना 7:30 बजे पत्रिकुल से, वो यहाँ से वापिस जाएगी स्कूल के बच्चों को लेकर 8:30 बजे। अच्छा, तो एक आती है फिर उसके बाद 3:30 बजे, एक आएगी 5:30 बजे, एक आएगी शाम को 6:30, एक आएगी, मतलब टोटल 3 बसें चलती है ना, 3-4 बसें चलती है, एक दो तीन टाइम चलती है ना। अच्छा, और ट्रैक का जो बता रहे थे वो कैसे कैसे? और ट्रैक का आपका है यहाँ से चंद्रखनी से मलाना, मलाना से सीधा जाओ आप जरी। तो चंद्रकड़ी यहाँ से जाने में हमें 4 घंटा लग जाएगा। 4 घंटा नॉर्मल बर्फ में नहीं चलता, अगर बर्फ में तो मथुरा भी नहीं बनता ना। अच्छा, बर्फ में तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वहाँ जाम हो जाता है। अच्छा,
और वहाँ पे स्टे वगैरह का खाना पीने का स्टे का तो फिर कैंपिंग साथ में यहाँ से गाइड साथ में जाएगा यहाँ से लेके जाना साथ में जाएगा और विद आपके टेंट जाएंगे और राशन जाएगा और चंद्रकरणी के बाद चंद्रफण के बाद फिर मलाना में आपको होम स्टे मिल जाएंगे मलाना का तो होम स्टे मिल जाएंगे उसके बाद आप जरी निकल जाओ अच्छा सबसे बेस्ट ट्रैक है ये और बिजली माध्यम के लिए भी वैसा ही यहाँ से माटी को छड़ वहाँ फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है वहाँ टेंट लगा के फिर दूसरे दिन अगले टेंट लगेंगे आपका बिजली माध्यम में हाँ जी वाइचिन वैली तो आपकी मलाना में है ना यहीं से जाती है चंद्रखनी होके आएगी ना वो हाँ जी। बाकी ये ढाबा आप कब से चला रहे हैं बिल्कुल तो आज 26 साल हो गए पूरे 27 साल हो गए बाकी शराली खाना ही थी यहाँ पे शराली खान भी हाँ जी शनाज ने डाला हुआ यहाँ का को तो हमने देखा हाँ जी सनी जो लाए हुए थे सनी देओल, हाँ, सनी देओल वो तो आते रहते हैं यहाँ पे मेरे साथ फोटो भी उनकी अच्छा हाँ, मैंने देखा और नितिन गडकरी जो स्पेशल और काफी खाने के शौकीन है ना नितिन गडकरी जी बिल्कुल शौकीन है जी और अपनी फैमिली लेके आए हुए थे फैमिली के साथ अच्छा यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड कब आता है मतलब मई एंड जून मई जून सबसे ज्यादा क्योंकि नीचे गर्मी होती है ना फिर उस टाइम बहुत भीड़ भड़ाका होता है बाकी अब 12 महीने को हो गया मनाली ना हाँ मनाली तो मनाली 12 महीने को हो गया क्योंकि इस ये जगह लोगों के लिए नई जगह है ना इसलिए जंगल और व्यू देख के मतलब काफी लोग इंटरेस्टेड है यहाँ के लिए और लोकल फूड के लिए लोकल फूड जैसे नगर सेंट्री होगी तो जंगल ही जंगल है ना जाके आपका बिजली महादेव तक बाकी यहाँ पे रुकने वगैरह का रुकने वगैरह का फिर कैंपिंग होती है टेंट लगता है लगाते हैं लोग बाकी होम स्टे है रूम्स बनाए हुए हैं अब तो काफी ज्यादा बन रहे हैं पे आने वाली एक तो साल के अंदर काफी ज्यादा हो जाएगी टूरिज्म बढ़ेगा हाँ जी टूरिज्म बढ़ेगा बाकी यहाँ पे बिजली वगैरह रहती है बिजली वगैरह बिल्कुल रहती है बहुत सारे लोग आते हैं ना वर्क फ्रॉम होम के लिए बिल्कुल 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 और सिग्नल वगैरह होता है बिल्कुल बढ़िया ना इंटरनेट प्रॉपर हाँ जी प्रॉपर आता है प्रॉपर तो ये आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा तो हमारे साथ थे मणिराम जी जो कि पिछले 26 साल से यहाँ पे ढाबा चलाते हैं जो कि लोकल फूड के लिए काफी फेमस है तो ये है मणिराम जी का स्टे के लिए ऑप्शन देख सकते हैं कितना प्यारा ये रूम है इसमें तंदूर भी है और क्या सामने क्या जबरदस्त नजारा है इस दिन टॉयलेट वॉशरूम सही है देख सकते हैं सामने का नजारा इस रूम जस्ट रूम के सामने का मस्त व्यू है गाइज तो गाइज हमने मणिराम जी से यहाँ का यहाँ पे स्टे के लिए पूछा तो उन्होंने बताया नियरली 10,000 वन मंथ का यहाँ पे लग जाएगा स्टे के लिए और अगर आप विद फूड चाहते हैं तो 6,000 एक्स्ट्रा लगेंगे ये आपका पाला हुआ है क्या नाम है इसका लालू यादव सो वन पर्सन अगर यहाँ पे स्टे करता है तो वन मंथ का उसको 16,000 पड़ेगा इंक्लूडिंग फूड अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं इनका कांटेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अरे अब क्या बोले अब आप बोलिए खुद बोलिए नहीं आप बता दीजिए अब जैसे वन मंथ के लिए कितना पड़ेगा अपने हिसाब से बोल दो कितना दे सकते हैं आप 8-9 अपने हिसाब से बोल दो आप कितना दे सकते हैं 8-9 प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में गाइस तब तक के लिए बाय बाय सी यू अगेन टेक केयर बाय बाय